देश भर में दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में आपने भी सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग की होगी। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले सोने चांदी की कीमतों का क्या हाल है। दरअसल यूपी के वाराणसी में सोमवार यानी 21 अक्टूबर को सोने चांदी के दाम में तेजी आई। सोना जहां 440 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला, वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत भी 500 रुपए प्रति किलो में तेजी आई। इसके साथ ही चांदी की कीमत 1 लाख के करीब पहुंच गई। बता दें कि टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की वजह से सोने चांदी की कीमतें हर दिन घटती या बढ़ती रहती है। सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए बढ़कर 79,570 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इससे एक दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को सोने का भाव 79,130 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो सोमवार को उसकी कीमत 380 रुपए के उछाल के बाद 72,930 रुपए हो गई। इसके एक दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा बात करें 18 कैरेट सोने की तो सोमवार को उसकी कीमत में 310 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 18 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 59,670 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले 20 अक्टूबर को इसका भाव 59,630 रुपए था। सोने के अलावा अगर बात करें चांदी की कीमतों की तो जान लीजिए कि चांदी की कीमतों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को चांदी की कीमत में 500 रुपए प्रति किलो का उछाल आया, जिसके बाद चांदी की कीमत बढ़कर 99,500 रुपए प्रति किलो हो गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को चांदी का भाव 99,000 रुपए प्रति किलो था। वाराणसी के कारोबारी अनूप सेठ बताते हैं कि आगे त्योहारी सीजन के साथ वेडिंग सीजन भी है, ऐसे में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के आसार कम है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि नवंबर के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव आना लाजमी है और ऐसा अभी से ही देखा जा रहा है। सोने की खरीदारी करते समय उसकी शुद्धता की जांच करना जरूरी है। 24 कैरेट का सोना सबसे प्योर माना जाता है। इसकी खरीदारी करते समय हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए, जो सोने की शुद्धता की गारंटी का प्रूफ है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकल 18।